नमस्कार, आप आईवी टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। इस वक्त की बड़ी खबर आरएस भट्टी से रिलेटेड सामने आ रही है, जहां उन्होंने कल सुबह 11 बजे आईजी और डीआईजी की बड़ी बैठक बुलाई है। बता दें कि आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं और डीजीपी बनाने के साथ ही वो एक्शन में आ चुके हैं। कल रात जिस तरीके से फिल्मी एंट्री मारते हुए उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसके बाद सीधा पुलिस मुख्यालय गए और अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उसके बाद से ही लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। बिहार के नए नए डीजीपी आरएस भट्टी ने आज एक बैठक भी की जो नीतीश कुमार के साथ थी, और इस बैठक के बाद आज अभी शाम में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल वो सुबह 11 बजे आईजी और डीआईजी के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी बैठक शराबबंदी और क्राइम कंट्रोल को लेकर के हो सकती है, ये भी खबरें सामने आई है सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें कि आरएस भट्टी लगातार इन दिनों बिहार में सुर्खियों में है। कहा यह जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और ऐसे में इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी पुलिस का मुखिया उनको बनाया गया है, ताकि वो बिहार के बिगड़ते और चरमराते कानून व्यवस्था को अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, और इसीलिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ऐसा होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि जैसे ही वो पटना पहुंचे उसके बाद से ही लगातार उनको एक्शन में देखा जा रहा है। आज मंगलवार को उनको पदभार ग्रहण करना था, लेकिन कल ही देर रात वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधा पुलिस मुख्यालय गए और अपना पदभार ग्रहण कर लिया। आज से वो अपने काम में भी लगे हुए नजर आए। पहली मीटिंग हुई और ये मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही। कहा यह जा रहा था कि इस मीटिंग में शराबबंदी पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और उसके बाद शाम तक ये अपडेट सामने आती है कि कल बिहार के नए नए डीजीपी आरएस भट्टी ने आईजी और डीआईजी को एक बैठक में बुलाया है, जो कि कल सुबह 11 बजे से होने वाला है। ये बड़ी बैठक होने वाली है शराबबंदी और क्राइम कंट्रोल को लेकर के। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को ये कहा है कि ये जिम्मेदारी उनको दी है कि आप ही इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और शायद इसीलिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके पहले भी कई बार बिहार में शराबबंदी को अच्छे से लागू करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो सब असफल रही, और इसी की वानगी दिखी बिहार के छपरा में, जिस तरीके से जहरीली शराब को पीने से लोगों की लगातार मौत का मामला अभी भी सामने आ रहा है। और इसी बीच बिहार के नए नए डीजीपी आरएस भट्टी ने कल अपना पदभार ग्रहण किया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई, और उसके बाद ये बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है कि कल वो पटना में सुबह 11 बजे से आईजी और डीआईजी के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें शराबबंदी को दुरुस्त और साथ ही क्राइम कंट्रोल को दुरुस्त करने को लेकर के कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आरएस भट्टी एक ऐसा नाम है जो जब से डीजीपी बनाए गए हैं तब से सुर्खियों में है। कहा यह जा रहा है कि वो किसी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो बड़े अपराधी हो या फिर कोई बाहुबली हो, वो सबको जैसे ही वो सुनते हैं कि ये कोई क्रिमिनल है या इन्होंने कोई क्राइम किया है, वो उनको दबोच लेते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को सौंपी है। कल इस बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, और ये देखना होगा कि आरएस भट्टी जिस तरीके से बड़े एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आते हैं। बहरहाल ये अपडेट हम आपको दे रहे थे कि कल ऑफिशियली पहली, मतलब डीजीपी बनने के बाद ये पहला ऑफिशियली बैठक जो है वो डीजीपी की तरफ से बुलाया गया है आईजी और डीआईजी के साथ। तो इस बैठक से रिलेटेड जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक लेकर के पहुंचते रहेंगे। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आईवी टीवी के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। HCR TMT रीवा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफ कॉन XT के साथ।